Hello everyone, my name is Dr. Ranjit Kumar and today we are going to discuss about sampling methods. What is sampling? Sampling means procedure by which some members of a given population are selected as representatives of the entire population. And what is the meaning of population? The larger group from which individuals are selected to participate in a study, it's called population. Why sampling? The population of interest is usually too large to attempt to survey all of its members. So we can use sampling method. Sampling, a carefully chosen sample can be used to represent the population. The sample reflects the characteristics of the population from it is drawn. सामान्य शब्दों में कहें तो सैम्पलिंग के माध्यम से हम रिसर्च में जितना हमें डेटा सर्वे में लेना होता है हम उससे कम डेटा से काम चला सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी विश्वविद्यालय पर रिसर्च करना हो तो हमें ज़रूरी नहीं कि पूरे विश्वविद्यालय के सारे स्टूडेंट्स से सर्वे किया जाए। हम कुछ सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से पूरे विश्वविद्यालय पर अपने रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हैं। Process of sampling. Define the population and develop sampling frame, then select a sampling method, then determine sampling size, execute the sampling process. Process of sampling को अगर हम समझें तो सबसे पहले हम population को define करेंगे. Population को define करने से तात्पर्य यह है कि हम अपने research के लिए हमें जो हमारे research के उद्देश्य हैं उसके अनुरूप जो हमारा population तय हो रहा है. अगर हम students के बिहेवियर पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारा सैम्पलिंग पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट्स होंगे. फिर हम डेवलपिंग सैम्पलिंग फ्रेम में हम सैम्पलिंग फ्रेम को डेवलप करेंगे. सैम्पलिंग फ्रेम से तात्पर्य है कि ऐसी सूची जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स की लिस्टिंग की जा सके जिससे हमें सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं. फिर सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम तीसरे पड़ाव में सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से हम सैम्पलिंग का चुनाव करेंगे. फिर हमें कितना सैंपल साइज चाहिए जो कि हमारे रिसर्च के लिए सफिशियंट हो उसे हम सेलेक्ट करेंगे. फिर आखिरी में सैंपलिंग पूरे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे. टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. सैंपलिंग के सामान्य तो दो प्रकार होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. Probability sampling means every element in the target population or universe has equal probability of being chosen in the sample for the survey being conducted. And non-probability sampling means every element in the universe does not have equal probability of being chosen in the sample. सामान्य शब्दों में कहें तो probability sampling में samples के जितने भी हमारे population होते हैं उनमें से जितने भी units होंगे उनके चुने जाने की संभावना रहती है, सबके चुने जाने की संभावना रहती है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबके चुने जाने की संभावना नहीं होती है, पहले सैंपलिंग से ही डिसाइड हो जाता है. वहाँ पे रिसर्चर जो है जरूरी नहीं कि हमारा सबके चुने जाने की संभावना हो. क्लासिफिकेशन ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स, सैंपलिंग के जो क्लासिफिकेशन हैं वो निम्नलिखित तरीके से हैं. प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में इन्हें बांटा जाता है मुख्य रूप से और उनके अंतर्गत प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग आते हैं. इसके अतिरिक्त नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, परपजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और इस तरीके के और भी सैम्पलिंग के मैथड जिसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग और बहुत सारे हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ मैथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच एवरी यूनिट हैज एन इक्वल एंड नॉन जीरो चांस ऑफ बींग सेलेक्टेड फॉर द सैम्पल. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक मेथड है जिसके माध्यम से सबके चुने जाने की संभावना रहती है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को सेलेक्ट करने के लिए दो सामान्यतः दो तरीके हैं, एक है हमारा लॉटरी मैथड, दूसरा है हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. लॉटरी मैथड में अगर हमें हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में और हमें 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से हम 1000 लोगों की सूची बनाएंगे और उनमें से 100 लोगों की लॉटरी के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे. ये हमारा हो गया लॉटरी मेथड. दूसरे प्रक्रिया में हम सैम्पलिंग फ्रेम करेंगे, वहाँ सबके सामने एक नंबर असाइन करेंगे अपने हर सैंपल के आगे, हर सैंपल को एक नंबर असाइन करेंगे.
और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स नाम से एक सूची आती है, जहाँ पे रैंडम नंबर्स की सूची होती है, उसमें से हम रैंडम नंबर 100 ले लेंगे और उनमें से कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी कहीं से भी सेलेक्ट हो सकता है और तो सबके चुने जाने की संभावना है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स एंड सैम्पल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग्स का मतलब है कि सबसे पहले हम अपने पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटा में हम बांटते हैं और उन्हें सब ग्रुप्स में बांटते हैं, और उनमें से हर सब ग्रुप से हम छोटे छोटे जितने हमें सैंपल्स चाहिए हम अपने सैंपलिंग साइज के अनुसार उसमें से सेलेक्ट करते हैं। स्टेप्स, ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास इन अकॉर्डिंग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग सैंपल आइटम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। जैसा कि मैंने बताया कि हर सैम्पलिंग के स्ट्रेटा में से हम सैंपल्स चुनेंगे। सॉरी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, दो स्ट्रेटा में मैंने बांटा गया है। एक स्ट्रेटा है वुमेन्स का और दूसरा है मेंस का। यहाँ पे दोनों स्ट्रेटा से इसके अलावा सिर्फ से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके उनका चुनाव किया जाता है सैम्पल्स का। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच द डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन इज ऑर्डर्ड एंड द फर्स्ट यूनिट ऑफ सैम्पलिंग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रेस्ट ऑफ सैम्पल इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पोजिशन यूजिंग अ स्किप इंटरवल विथ kth आइटम। यहाँ पे सिस्टम रैंडम सैम्पलिंग को हम समझे तो सिस्टम रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक सिस्टम बनाते हैं कि किस तरीके से हम सैम्पलिंग का चुनाव करेंगे। सबसे पहले हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे, सारे यूनिट्स को हम नंबर दे देंगे, उसके बाद हम रैंडम तरीके से पहले सैंपल का चुनाव करेंगे। अगर पहला सैंपल हमारा 12वें नंबर पे आता है और हमारा इंटरवल 10 है, मतलब हर 10वें व्यक्ति से हमें पूछना है, तो हम 12 के बाद हमारा दूसरा सैंपल होगा 22, 22 के बाद हमारा दूसरा सैंपल होगा 32, 32 के बाद हमारा सैंपल होगा 42। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग काम करता है। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हर तीसरे व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है। मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग इज यूज इन लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन ऑफ लार्ज साइज सैम्पलिंग यूनिट्स रैंडमली सेलेक्टेड अ सर्टेन नंबर। सेकेंड स्टेज अनदर लिस्ट प्रिपेयर फ्रॉम देम देन सम सैम्पल्स ड्रॉन बाय रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग सैम्पलिंग की एक ऐसी विधि है जिसमें हम कई सारे अलग अलग स्टेजेस को सैम्पलिंग करते हैं। पहले स्टेज में हम एक बार रेंडमाइजेशन के तरीके से, रैंडम तरीके से हम अपने सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स को। सैंपल्स के बाद फिर हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं, वहाँ पे फिर उन सेलेक्टेड सैंपल्स में से हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। ये हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हमने अपने पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से हमें 3 स्टेट्स पर रिसर्च करनी थी, हमने 3 स्टेट्स चुने, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 6। फिर हर स्टेट से दो दो सिटी सेलेक्ट किए गए, सिटी 1, स्टेज 2 में सिटी 1, सिटी 4, स्टेट 3 में सिटी 2 और सिटी 6, स्टेट 6 में सिटी 3 और सिटी 4। उसके अलावा स्टेट 1 से में भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, सिटी 1 में भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, उन कॉलेजेस में से हम एक एक कॉलेजेस का चुनाव करेंगे। तीसरे स्टेज में, तीसरे से हमने सिटी 1 से हमने कॉलेज नंबर 2 का सिलेक्शन किया, सिटी 4 से कॉलेज नंबर 1 का सेलेक्ट किया, सिटी फिर स्टेट 3 के सिटी 2 के से कॉलेज नंबर 1 का। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तीसरे स्टेज पे आ गए। चौथे स्टेज में हम उस कॉलेज के स्टूडेंट्स का सैंपल हम इकट्ठा करेंगे, लेंगे वहां से डेटा। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड इंटैक्ट ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल विद इन द डिफाइंड पॉपुलेशन शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेप्स, डिफाइंड पॉपुलेशन इन डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड सब ग्रुप्स और क्लस्टर्स। सेलेक्ट एन इंडिपेंडेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ क्लस्टर्स। अब क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं,
कि हम अपने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में बांट देते हैं कि उनके करेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, उन क्लस्टर्स में से, या जियोग्राफिकली, तो हम उन क्लस्टर्स में से अगर हमने 5 क्लस्टर्स बना लिए, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि 2 अलग अलग क्लस्टर से इसका चुनाव किया गया है, और इन क्लस्टर्स का चुनाव रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से किया जाएगा। और इन क्लस्टर्स का आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्लस्टर्स में अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो 2 क्लस्टर्स का हमने चुनाव किया और उसके आधार पर हम अपने रिसर्च को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स देयर इज लॉट्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। द पॉपुलर सैम्पलिंग टेक्निक्स आर, फर्स्ट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। एक कन्वीनियंट सैम्पलिंग सैम्पल सॉरी ए कन्वीनियंट सैम्पल इन सिंपली इंक्लूड द इंडिविजुअल्स हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। दिस इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू गैदर इनिशियल डेटा, बट देयर इज नो वे टू टेल इफ द सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सो इट कैंट प्रोड्यूस जनरलाइजेबल रिजल्ट। कन्वीनियंट सैम्पल्स आर एट रिस्क फॉर बोथ सैम्पलिंग बायस एंड सेलेक्शन बायस। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सबसे पॉपुलर सैम्पलिंग टेक्निक है वो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग से तात्पर्य है ऐसे सैम्पलिंग का तरीका जिसमें रिसर्चर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सैम्पल्स को सेलेक्ट करता है। जब हम फिल्म रिव्यू करते हैं या फिल्मों के उस पर रिसर्च कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं सिनेमा हॉल के बाहर और जो भी उस फिल्म को देख करके निकल रहे होते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनसे सवाल पूछते हैं। जो भी हमें मिल जाता है सामने, हम उनसे सवाल पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसी आधार पे हम फिल्म के रिव्यू को जनरलाइज कर देते हैं। आप इस तस्वीर के माध्यम समझ सकते हैं कि रिसर्चर को जो भी सामने दिखा उससे उसने उससे संबंधित चीज़ें पूछ ली और उसी के आधार पर अपना रिजल्ट तैयार कर लिया। सेकेंड वन इज परपजिव सैम्पलिंग। द रिसर्चर चूजेज द सैम्पल बेस्ड ऑन हु दे थिंक वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। दिस इज यूज प्राइमरली व्हेन देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दैट हैव एक्सपर्टीज इन द एरिया बीइंग रिसर्च। परपजिव सैम्पलिंग से तात्पर्य है ऐसा कोई सैम्पलिंग का तरीका जिसमें अपने रिसर्च के पर्पस को पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी कानूनी विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ, लॉ से संबंधित किसी विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए कौन चाहिए होगा रिसर्च करने के लिए? जनरली मैं एक्सपर्ट्स की राय लूँगा। तो सामान्यतः अगर हम किसी ऐसे लॉ पर बात कर रहे हैं तो हमारे सैंपल्स हो सकते हैं वकील हो। तो ऐसे रिसर्चर जब हमने तय कर लिया कि पर्पस हमारा है किसी एक्ट पे बात करना है, हमने सैंपल चूज कर लिया कि हमारे वकील ही हमारे सैंपल होंगे, तो वहाँ पे हम अपने जो हमें जवाब दे सकें, या फिर हम कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया यूजर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सभी लोगों पे रिसर्च नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा मेन पर्पस, मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो हम सोशल मीडिया यूजर से बात करेंगे। तो हम पर्पस के अनुसार जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो वो पर्पजिव सैम्पलिंग कहलाती है। पर्पजिव सैम्पलिंग में आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे रिसर्च का पर्पस है, जो पूरा कर रहा होगा, हम सिर्फ उन्हें ही सेलेक्ट करेंगे। जो उस विषय में नहीं जानते होंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। द प्रोसेस वेयर ए रिसर्चर गैदर्स डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोटास। कोटा सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह हम इसमें भी अलग अलग कोटा बनाते हैं। उस कोटे में से हमें जितने सैम्पल्स की ज़रूरत होती है, हम उतने सैम्पल्स को सेलेक्ट करते हैं। बस प्रोसेस में अंतर ये है कि हम वहाँ जब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जब हम स्ट्रेटा बनाते हैं, तो उसमें भी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और सैम्पल्स का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन कोटा सैम्पलिंग में जो हमें लगता है कि हमारे पर्पस को या हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है, हम उनका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट वन इज नोबल सैम्पलिंग। इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, नोबल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स। द नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू नोबल्स एज यू गेट इन कॉन्टेक्ट विद मोर पीपल। ये सैम्पलिंग का सबसे
अलग तरीका है। सैम्पलिंग में अभी तक सभी जगह हमें क्या पता होता था, हमारा यूनिवर्स पता होता था, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम होते थे, तब हम उसमें से सैम्पलिंग कर पाते थे। स्नोबॉल सैम्पलिंग सैम्पलिंग की एक ऐसी विधि है जिसमें हमें हमारे सैम्पल्स ढूंढना काफ़ी कठिन होता है, हमें सैम्पल्स के बारे में अपने पता नहीं होता है। अगर हम कॉलेज में ऐसे किसी बारे में रिसर्च कर रहे हैं जो कि मान लीजिए हम रैगिंग अगर किसी के साथ हुई है उन पे उन बच्चों पे रिसर्च करना चाहते हैं, जनरली ये डेटा मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो हम पहले ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके साथ रैगिंग कभी हुई हो, फिर उससे फीडबैक लेंगे। उस सैंपल का हमने पहले सैंपल का सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी सैंपल से रेफरेंस मांगेंगे कि आप बताइए क्या आपको लगता है कि आपके ही जैसा घटना किसी और के साथ भी घटित हुई है। जब वो रेफर करेंगे अपने सैंपल, एक या दो नाम बताएंगे, फिर उसके माध्यम से हम दूसरे सैंपल्स के पास पहुंचेंगे, फिर दूसरे से यही प्रोसेस अपनाएंगे। ऐसे करते करते हमें जितने हमें रिसर्च के लिए सैंपल्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स, हम वहां से उनके माध्यम से हम पूरा करेंगे। ये एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के तकनीक पर आधारित है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, रिसर्चर ने सबसे पहले एक सैंपल सेलेक्ट किया, उसने दो रेफरेंस दिए, उन दोनों रेफरेंस ने फिर तीन तीन रेफरेंस दिए, और उन तीनों ने हो सकता है कि और कई सारे रेफरेंस इनको दिए, और उस आधार पे हमारा सैम्पलिंग फ्रेम जो है पूरी तरीके से, सॉरी सैम्पलिंग साइज जो है वो पूरा हो जाए, और फिर हम आगे अपने रिसर्च को कंटिन्यू करें। सैम्पलिंग डिजाइन जब भी हम तय करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ फैक्टर्स पे डिस्कस करना होता है। सबसे पहले हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे बात करते हैं कि हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, हमारा सैंपल साइज क्या होगा, हमारा एरिया क्या होगा रिसर्च का। इन सारी चीज़ों को हम सैंपल सेलेक्ट करने से पहले हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं, हम देखते हैं कि उसी के अनुसार जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके हम उसी सैंपल का चुनाव करते हैं। अगले स्टेज में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जिस सैंपल का हम चुनाव कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है। इसके बाद आते हैं रिसोर्सेज। सैम्पलिंग का चुनाव ही हम इसलिए करते हैं कि अपने कम से कम रिसोर्सेज में हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमें यूनिवर्सिटी के 10,000 बच्चों पर रिसर्च करना हो तो हमें सबके लिए क्वेश्चनायर डेवलप करेंगे, फिर उनका एनालिसिस करना पड़ेगा, उनसे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में खर्च जो है एक बड़ा माध्यम है। हमें क्वेश्चनायर प्रिंटिंग कराने होंगे, ऑनलाइन क्वेश्चनायर है फिर भी हमें उनमें डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए वो सारी रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एक बड़े पैमाने पर। लेकिन अगर हम उसे सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके करते हैं तो उसी उन्हीं कम रिसोर्सेज में हम उस बड़ी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने कहा कि रिसोर्सेज के साथ साथ हमारे पास दूसरा फायदा ये है सैम्पलिंग टेक्निक का कि हम टाइम कम समय के अंदर कम समय में ही अपने रिसर्च को पूरा कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, जब भी हम रिसर्च में सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन की पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। हम किस पे रिसर्च करने जा रहे हैं, वो किस कैटेगरी के हैं, किस तरीके से हैं, पूरे उनके बारे में जो भी बैकग्राउंड होगा या फिर रिसर्च से संबंधित वो पूरा नॉलेज में होना चाहिए। दूसरा है रिसर्च स्कोप। हम जब भी इस तरीके के चीज़ों पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जब भी हम सैम्पल डिसाइड करते हैं तो हम स्कोप को देखते हैं कि कहाँ पे कितना स्कोप है, हमारे रिसर्च में इस सैंपल का क्या स्कोप है। सबसे आखिरी में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नीड्स, जो भी सांख्यिकीय गणनाएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है सैंपल सेलेक्ट करने से पहले। अगर हमने 100 लोगों पे हमें रिसर्च करना हो और हमने सैंपल ही 5 लिए तो सॉफ्टवेयर्स में उस पर एनालिसिस ही नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन तरीकों को देखें कि किस तरीके से स्टेटिस्टिकली हमारा जो सैंपल साइज है वो पूरा हो जाए, ताकि हम अपने जो भी सांख्यिकीय गणनाएं हैं, गणितीय गणनाएं हैं उनको कर सकें।